हेलो एवरीवन, कैसे हो फ्रेंड। तो आज बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ, आलू और पालक की भुजिया। तो इसको हम बनाएंगे किस तरीके से, आलू और पालक की भुजिया बहुत सूखी सी बनाएंगे, बच्चों के टिफिन में हो या हो लंच में। तो आप इसको टिफिन में पैक करके दे सकते हो। तो पालक की भुजिया बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 किलो पालक लिया है और इसको हमने धो के अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसको हमने आधा घंटे पहले धो के साफ़ करके रख दिया था, जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल चुका है। तो यहाँ पर हमने पालक को कट करना है, तो मैं यहाँ पर पालक कट कर रही हूँ। और पालक जो कट करूँगी मैं थोड़ा सा मोटा कट करूँगी, मैं इसको बारीक कट नहीं क्यों करूँगी, क्योंकि पालक की हम जब पतली वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो उसके लिए हम पालक मतलब पतला पतला कट करते हैं। तो इसमें हम भुजी बना रहे हैं पालक और आलू की, तो थोड़ा सा इसको मैं मोटा कट करूँगी। तो पालक है इस तरीके से आपने कट करके रख लेना है। तो मैं यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में पालक कट करके रख लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उबालेंगे नहीं इसको, हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है 1 चम्मच। 1 चम्मच नमक मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से चारों तरफ से मिक्स कर लेना है। जो हमने नमक डाला है, नमक डालने से जो पालक है वो पानी अपना छोड़ देता है। तो यहाँ पर हमने इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देना है। तो पालक में नमक अच्छे से मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर हमने आलू लिए हैं, उबले हुए आलू लिए हैं, तो इसको हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। छोटे बड़े आप किसी भी तरीके के आलू कट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर इक्वल साइज़ के आलू कट कर रही हूँ। तो आलू मैंने कट कर लिए, मसाला भी रेडी कर लिया है। अब तो यहाँ पर हमारा जो पालक है वो काफ़ी अच्छे से पानी अब छोड़ने लगा है, हमने इसमें नमक ऐड कर दिया था। इसको हमने अच्छे से नचोड़ निचोड़ के इसका पानी है वो निकाल देना है। तो नमक लगाने से जो पालक में जो पानी छूटता है तो बहुत अच्छा पालक बनता है, एकदम खिला खिला पालक बनता है भुजी। तो इसको हम नचोड़ लेते हैं, इसका सारा एक्स्ट्रा पानी इसको निकाल देते हैं। तो पालक हमने अच्छे से नचोड़ लिया है और जो एक्स्ट्रा पानी है वो अलग कर दिया है। तो यहाँ पर हमने मसाले लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं और लाल मिर्ची ली है 4, और लहसुन लिया है हमने 5 से 6 कलियाँ, 3 हरी मिर्ची। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तो तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हमने ऐड कर दिया है 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच हमने इसमें ऐड किया है धनिया, साबुत धनिया ऐड कर दिया है। और इसमें हमने डाल दी है जो कटी हुई अदरक और हरी मिर्ची, हल्की सी खुशबू आने लगे इसमें साथ में ही ऐड कर दिया है हमने प्याज और लाल मिर्ची जो हमने कट करके रख रखी थी। इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे आलू जो हमने बॉईल करके काट के रख रखे थे, आलू ऐड कर देने हैं। इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। और 1 से 2 बारी इसको अच्छे से चला लीजिएगा। तो 1 मिनट तक हमने आलू को मसाले के साथ पकाना है प्याज और लहसुन के साथ। अब साथ में ऐड कर देंगे हम 1-1.5 मिनट के बाद पालक। और पालक है देखिए, काफ़ी अच्छे से हमने इसमें से पानी निचोड़ लिया था। इस तरीके की आप भुजिया बनाइए, बहुत ही टेस्टी भुजिया बनती है। अब साथ में थोड़ा सा हल्का सा हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, इसको कर लेंगे मिक्स। और फ्रेंड इसको हम खुले में पकाएंगे, इसको ढकेंगे नहीं, जो इसका जो पानी है पालक का जितना भी पानी इसमें वो अच्छे से सूख जाएगा। और इसको चलाते हुए हम इसको भून लेते हैं।
5 मिनट में आपकी जो सब्ज़ी है बनके रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको खुले बर्तन में इसी तरीके से हमने पकाना है और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, 4 से 5 मिनट तक आपने इसको पका लेना है। तो देखिए सब्ज़ी को हमें पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है और इसमें ऐड कर देंगे हम 1/2 चम्मच हल्दी। बाकी के और कोई मसाले इसमें ऐड नहीं करेंगे, जो मसाले डालने थे वो हमने इसमें पहले डाल चुके हैं। मिर्ची नमक हमने पहले ही इसमें ऐड कर दिया था, मिर्ची हमने लाल नहीं डाली थी, हरी मिर्ची और साबुत लाल मिर्ची। तो सब्ज़ी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारी जो सब्ज़ी है वो बहुत ही टेस्टी बनी है, ये हमारी पालक और आलू की भुजिया है। आपने ट्राई नहीं की तो आप इसको झटपट से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी सी भुजिया बनती है। तो कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक बने रहिएगा रुपेश की रसोई में।